हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू L1 कोचिंग ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम। माई सेल्फ एस के निराला, योर मैथमेटिक्स टीचर। टुडे विल बी स्टार्ट अ न्यू लेक्चर पॉलिनोमियल, ठीक है, 3। ओके, तो अच्छे से समझना है लेक्चर 3 को, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टॉपिक है, क्योंकि यहीं से आपकी जर्नी जो आगे की क्लास है, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सीखेंगे टू दी अनदर फॉर्म, चेंजिंग फॉर्म, ठीक है। क्योंकि जो आप समझ रहे थे अल्फा बीटा का क्वेश्चंस, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप्स में, नॉट एनी बुक, ठीक है। तो अच्छे से समझना है कि हम लोग कैसे जीरो लेवल से जेई मेंस टाइप के क्वेश्चन, एनटीएससी फर्स्ट लेवल, एनटीएससी सेकंड लेवल को हम कैसे कम समय में, देखो क्वेश्चन मैंने बताया था बार बार कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं तो एक ओनली मेन फॉर्म में समझते हैं, फिर धीरे धीरे टीचर उसको अनदर फॉर्म में बताते हैं, तो वो आपका टाइम कम समय है, समझा रहे। आपको मैंने बताया ही था कि बोर्ड बिल्कुल अलग होते हैं और ओलंपियाड और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वो बिल्कुल कम समय देते हैं, तो हमको कम समय में ज़्यादा आउटपुट लेना है, तो इसीलिए लेक्चर की आज की ज़्यादा खासियत बढ़ जाती है, क्योंकि आज जो है वो एनटीएससी लेवल टाइप के पूरे क्वेश्चन होंगे। बोर्ड में बहुत कम ही सवाल आते हैं, आज के जो क्वेश्चन होते हैं मात्र एक और टू क्वेश्चन, तो सो आज का टॉपिक जो है डिपेंड करता है इस पे कॉम्पिटेटिव व्यू एग्जामिनेशन से, सो वेरी वेरी, ठीक है बच्चों। तो ऑल ऑफ विवेक, अंजलि, हसन जी, संजीव जी, हर्ष, हर्षित, सत्यप्रकाश, सात्विक, वेरी गुड, ऑल ऑफ गाइज आर गुड इवनिंग, वेरी गुड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इम्पॉर्टेंट से, जैसे मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था कि फॉर्मूला क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मूले से हम लोग बहुत सारे चीज़ों को कर सकते हैं जो डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मूला का भी ध्यान रखना है, और डायरेक्टली जब फॉर्मूला भूल भी गए तो भी, मैंने सेकेंड लेक्चर में आपको पढ़ाया था इससे प्रीवियस लेक्चर में कि हम विदाउट फॉर्मूला द्वारा भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फॉर्मूला कुछ जल्दी जवाब दे देगा, उस तरह हम लोगों को डायरेक्टली बहुत काम का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो मैंने इसको ट्रिक्स के आधार पर पहले बताया था, अल्फा प्लस बीटा, केवल ये दो ही गेम से पूरा खेलना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, और इसको इंग्लिश वर्जन में बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और मैंने इसका नाम दे दिया गया था कि मैं इसको थ्री डांस फॉर्म में बताया था, ठीक है। तो इसका दो टर्म्स बने, अपना वाला डांस और डीजे डांस, तो इसका मैंने नाम डाल दिया है कि इसको हम लोग डांस फॉर्म में कर सकते हैं नागिन डांस, और इसको हम लोग नाम दे सकते हैं डीजे डांस, यानी हम लोग दो डांस से पूरा चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं, जितने ओलंपियाड के क्वेश्चन है, बस उल्लू बनाएगा, बहुत बड़ा मजा लेगा वो क्वेश्चन, यानी ये स्टार्ट जीरो लेवल से पहुंचेंगे और पहुंचेंगे जेई मेंस टाइप, कॉम्पिटेटिव टाइप पूरे पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसको नहीं भूलना है ये फॉर्मूले को, और फिर मैंने लुंगी डांस बताया था जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको मैंने नाम अपना दिया था लुंगी डांस, जो आप समझ सकते हैं क्योंकि आपको रटिकली नहीं मारना है, आराम से करना है, ठीक है। कोई भी फॉर्मूले को रटिकली नहीं मानिए, सीखिए कैसे होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अनदर फॉर्मेशन में समझेंगे, जो बहुत सारे लोग फॉर्मूले द्वारा लर्न करके ऐसा करते हैं, नहीं मैं बताऊंगा कि कैसे आपको उल्लू बनाएगा कोई भी कंपटीशन, या कैसे बोर्ड आपको अनदर अनदर फॉर्म में भरेगा, तो जल्दी से हम लोग को खिलवाड़ करना है, यानी खेल खेल में पूरा अल्फा बीटा का आज गेम सीख कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कि बहुत सारे वैल्यू इस तरह से दिए रहते हैं कि फाइंड द, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम लोग दो ही फॉर्मेशन समझें, सिर्फ हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा और फिर क्या समझें अल्फा इंटू बीटा, तो एवरी क्वेश्चन को हम इसी के फॉर्मेशन में जल्दी ला देंगे, ठीक है, यानी इसी के फॉर्मेशन में, क्योंकि इसका तो हम वैल्यू नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते हैं तो कैसे होगा,
तो यानी इसको हम लोग इसके फॉर्मेशन में चेंज करेंगे, जो आप क्लास नाइन्थ में पढ़े थे पॉलिनोमियल में उसी के फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे। यानी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, आपसे कोई डायरेक्टली पूछ दिया कि चलिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बताइए, ठीक है, तो आपको जल्दी से इसी में कन्वर्टिंग करना है, यानी इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, खेलना है। अब इसलिए क्यों आता है आप समझिए, क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं, डायरेक्टली ये होता है तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको गेम खेलना है तो तुरंत हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, तो इसके फॉर्मेशन में अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस थ्री अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। देखो आ गया कि नहीं आ गया, जल्दीबाजी में कर सकते हैं। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस थ्री अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है नागिन डांस, माइनस बी बाई ए, और डीजे डांस होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, उसके फॉर्मेशन में ध्यान रखें। और फिर ऐसे ही बताएंगे कि विदाउट फॉर्मूला हम अल्फा बीटा का गेम कैसे सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आ जाए कि आपसे कोई पूछे कि अल्फा फोर बीटा फोर क्या लिख सकते, अल्फा फोर बीटा फोर क्या लिख सकते, तो फाइनली हम इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेंजिंग कर सकते, और फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख के कर सकते हैं वैल्यू को, एक ही क्वेश्चन में दिया है। चलिए अब नेक्स्ट हम कर लें कि आपसे डायरेक्टली कोई अल्फा फाइव प्लस बीटा फाइव की वैल्यू पूछ ले, व्हाट इज अल्फा फाइव बीटा फाइव की वैल्यू। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो आप इसको अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू और फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इसकी जो पावर है वो ऐड करते हैं, तो थ्री टू फाइव और थ्री टू फाइव, इसके बाद जो फाइनली वैल्यू बचेंगे वो तो हम लोग माइनस कर सकते हैं, यानी लिखने का तरीका कुछ बदल सकते हैं कि किस तरह से हम लोग वैल्यू को चेंज करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि अल्फा बीटा की वैल्यू फाइव कैसे आ सकता है। तो खैर इसके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को, अल्फा फाइव बीटा फाइव को हम अल्फा क्यू बीटा क्यू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के वैल्यू में कैसे चेंज करें। ठीक है, फॉर्मूला वाइज तो ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन से पहले आपको अच्छे से कुछ बड़े वैल्यू का टर्मेशन पता चल सके, क्योंकि ये नाइन्थ के पॉलिनोमियल में आपने फॉर्मूले को प्रैक्टिस किया। ठीक है, और इसको धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे और इजी तरीके से कि हम लोग इसका बिना यूज किए क्वेश्चन को कैसे लगाएं। तो दो प्रकार के क्वेश्चन देगा, उल्लू बनाएगा आपको, तो डरना बिल्कुल नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे हो। ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग चेक करें मल्टीप्लाई करके, क्या ये राइट है कि रॉन्ग, मन में सवाल होता है। तो अल्फा क्यू प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा फाइव लिख सकते, और फिर बीटा क्यू और बीटा स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं बीटा फाइव। अब चेंजिंग क्या हुआ, देखो अल्फा क्यू का बीटा स्क्वायर में लिख सकते हैं अल्फा क्यू बीटा स्क्वायर, फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बीटा क्यू और अल्फा स्क्वायर में, तो प्लस बीटा क्यू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमको पूछ क्या रहा था, केवल अल्फा फाइव और बीटा फाइव की वैल्यू। तो अब यहाँ पे दोनों कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे अल्फा, ठीक है, स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ सिर्फ बचेगा अल्फा प्लस बीटा। यानी अगर हम इन दोनों को तोड़ेंगे तो इतना आएगा, हमको वैल्यू किसका चाहिए था, इसका चाहिए था अल्फा फाइव और बीटा फाइव का। ठीक है, तो यानी कितना माइनस करना पड़ेगा, इतना माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए सॉल्यूशन में ध्यान में रखना है, यानी हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं कि हमको सिर्फ अल्फा प्लस बीटा में चाहिए और फिर क्या चाहिए अल्फा इंटू बीटा में चाहिए। तो हम लोग कैसे इसको और छोटे में लिख सकते हैं, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं,
यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस माइनस, इसमें डायरेक्टली करने के लिए माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब आ गया, अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम अल्फा फाइव बीटा फाइव इक्वल टू डायरेक्टली इतना कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग ये निकाले थे, फिर ये निकाले थे, इसी में दोनों का वैल्यू पुट करके रख सकते, ठीक है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते, ठीक है। इस पे ध्यान रखना है, गेम खेलना है, और ये उन्हीं क्वेश्चन में लगाना है जिनमें ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन के अनुसार बच्चों समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। ये जितने भी 1 2 3 क्वेश्चन बताएंगे, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, हमेशा आता है, लेकिन हम थोड़ा दूसरे वर्जन से बताएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो पहले आपके वर्जन का बता लेंगे, फिर धीरे धीरे बताएंगे। चलिए, तो सब लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को, जल्दी इसका आंसर बताएं। आज ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे बच्चों को करवाया भी है, लेकिन फिर से आज क्लास में बता लेंगे तो और अच्छे से आएगा आपको, सिंपल मेथड से, ठीक है। राजा ने बताया है कि सर इसका आंसर 3 होगा, विवेक कुमार ने बताया है कि सर 13 होगा। चलिए खेलते हैं इसको। चलिए यहाँ पे पहले मेथड से, ठीक है, कैसे करेंगे, और फिर दो मेथड से कैसे करेंगे, दोनों का ध्यान में रखना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले यहाँ बोला है कि अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ गिवेन एक्स स्क्वायर प्लस 5x+8। पहले बोर्ड में कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका सीख लिए, फिर बाद में नहीं बताएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आप बोर्ड में कैसे लिखना है उसको समझिए। तो हियर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू 8। आप कैसे कंपेयरिंग कराएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर से कैंसल, ए की वैल्यू 1 हो गई, एक्स एक्स कैंसल, बी की वैल्यू 5 हो गई, सी की वैल्यू 8 हो गई, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये पूछा है, ठीक है। तो अब आपके पास मैंने दो फॉर्मूले पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो गया, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए कितना आएगा, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -5/1, तो आएगी -5, और सी बाई ए, तो सी बाई ए यानी 8/1, तो कितनी आएगी, 8, तो यानी इसकी वैल्यू आई है -5 और प्लस अल्फा इंटू बीटा का 8, कितना आ जाएगा, 3। तो सो आंसर इज कितना आएगा, 3। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, राजा, विवेक, आशीष, अच्छा है, अंजलि, वेरी गुड, खुशबू, श्रवण, सात्विक, वेरी गुड, सब भी बच्चों ने सही जवाब दिया है। कितना राइट आंसर होगा, 3। तो आप लोगों के मन में आएगा ये तो सर फॉर्मूला द्वारा जैसे हम जानते थे वैसे ही बता दिए, कुछ नया होना ही नहीं है, डिफरेंट हुआ ही नहीं। चलिए डिफरेंट करते हैं, सेकेंड मेथड से समझते हैं, अब समझते हैं एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे खिलवाड़, आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग एक ही फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले को डिराइव कर सकते और कैसे लगा सकते। अब सेकेंड मेथड द्वारा समझिएगा, यही से खेल समझ आते हैं आपको, ठीक है। कब जो है अल्फा बीटा का फॉर्मूला का जरूरत होता है, कब जो है हम लोग विदाउट फॉर्मूले का यूज करते हैं, और कब जो है इसी क्वेश्चन को बहुत हार्ड बनाता है, सबका खेल समझना है, ठीक है। चलिए बच्चों, क्लियर हुआ, रिप्लाई मी, और सभी बच्चों को ये रूल पसंद आया, क्लियर है, ये आपके स्कूल टीचर भी बताते हैं, सभी लोग इसी फॉर्मूले से करवाते हैं, लेकिन मैं इस फॉर्मूले का बिल्कुल प्रयोग नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आप इसके आदी हो जाएंगे, जो खतरनाक है, बहुत सारे डेंजरस क्वेश्चन इससे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो,
अब आपके जो ओलंपियाड में क्वेश्चन देगा यही क्वेश्चन को कैसे सेकंड मेथड से करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x+8 है और नाम दे दिया क्या है, अल्फा बीटा आर द जीरोज, यानी ये इसी के जीरोज हैं, यानी एक एक्स की वैल्यू अल्फा है और एक एक्स की वैल्यू क्या है, बीटा है, यानी यही एक्स की वैल्यू है अल्फा और बीटा। तो चूंकि ये फैक्टराइजेशन नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+8 क्या नहीं होगा, फैक्टराइजेशन नहीं होगा, यानी कोई भी ऐसा दो टर्म नहीं है जिसको जोड़ने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आए। इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लगा, ठीक है। अगर ये डायरेक्टली फैक्टराइज होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम अगर कहते कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 ऐसे दिए हुए हैं, तो इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x+x+1, तो कॉमन लिख लिए x+1 और x+1, यानी हम इसको लिख सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यानी यहाँ पे एक्स की एक वैल्यू -1 और दूसरी वैल्यू भी -1, यानी दो जीरोज आ गए अल्फा एंड बीटा। तो यही अल्फा है यही बीटा है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों में ओलंपियाड में जब भी देता है तो जानबूझ के अल्फा के पावर 100 और बीटा के पावर 100 पूछता है और बच्चे डर जाते हैं, ठीक है। अरे इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, अल्फा 100 बीटा 100 तो कोई बुक में फॉर्मूला ही नहीं दिया, हम कैसे निकालें। निकालना नहीं है, वो गेम है, उल्लू बनाता है, तो समझना नहीं। अल्फा बीटा के गेम में आपको समझाएंगे बहुत सारे वेरियस टर्म, ठीक है। जहां पे अल्फा बीटा के पावर ज्यादा रहेगा वहां यानी इसका फैक्टराइजेशन होगा, वही उसकी एक्स की ही वैल्यू को अल्फा कहते हैं, एक्स की ही वैल्यू को बीटा कहते हैं, बस इतना समझ लो, क्लियर कर लो। कैसे, जैसे यहाँ खुद दिया है कि अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ इतना, यानी यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू अल्फा है और यहाँ एक एक्स की वैल्यू बीटा है, दोनों एक ही चीज कहेंगे, ठीक है। बस लगने का यानी पढ़ने का अलग अलग नजरिया होता है। तो जब पावर ज्यादा देगा तो वहां ये फैक्टराइजेशन होगा और फैक्टराइजेशन होगा तो वहीं एक्स की वैल्यू होगा। तो जहां अब हमारी एक्स की वैल्यू -1 के पावर 100 और -1 के पावर 100, तो जब इवेन नंबर होगा तो 1+1 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो कितने लोग डर जाते हैं, डरना नहीं है, ओलंपियाड यही उल्लू बनाने का काम करता है, ठीक है। क्लियर हुआ कंसेप्ट सर? तो एक ही जीरोज होगा कि 2, दोनों अलग अलग ही जीरोज कहलाएंगे, दो जीरोज कहलाएंगे, एक ही जीरोज नहीं कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि -1 -1 होता है, ठीक है। इसका कंसेप्ट हम समझाएंगे आयोटा के रूप में भी, अच्छे से समझना है, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग कंसेप्ट अनदर टाइप का सीख लिए, हर्ष विवेक ऑलरेडी सब लोग समझ में आ गए कि कब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जब फैक्टराइजेशन नहीं होगा, और जब फैक्टराइजेशन होगा तो डायरेक्टली एक्स और अल्फा एंड बीटा उसको वैल्यू समझ लेंगे, तब पावर ज्यादा पूछेगा, तो क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी धीरे धीरे जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, डिफरेंट वैल्यू होगा तब, हसन जी ने पूछा है, डिफरेंट वैल्यू होगा तो भी होगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे। चलिए यहाँ पे आ गया, इसको हम अनदर नेम, बच्चों सबसे पहले समझ लो कि इसको कितने टाइप से लिखेंगे, सबसे पहले इंग्लिश वर्जन में, ठीक है, कितने टाइप से, एक ही क्वेश्चन, जैसे भगवान एक ही होते हैं नाम अलग अलग, तो एक ही क्वेश्चन में सारा समझाते जा रहे हैं कि इसको कितने नाम से समझेंगे। जैसे बोला है क्या, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल, जब इक्वल टू जीरो नहीं लगा है, तो जैसे मैंने बोला कि इक्वल टू जीरो नहीं लगा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर इक्वल टू जीरो लगा रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दो चैप्टर सेम पढ़ रहे हैं आप लोग, बस आपको पता नहीं चल रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे अल्फा बीटा के, लेकिन वहां इक्वल टू जीरो लगा रहेगा, अब पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो
यहाँ पे जीरो बस नहीं लगा रहेगा, सो बाजी करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स है, जीरोज का दूसरा नाम, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, वन बाई अल्फा वन बाई बीटा, अभी कोई लगाएगा नहीं, कंसेप्ट सीखो कितने नाम से जानेंगे, मुझे पता है आज मैंने पढ़ा दिया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, लेकिन आपको करना कैसे है इसको सीखो, ठीक है, डिफरेंट वे में। तो क्या करेंगे देखो, वन बाई अल्फा वन बाई बीटा, तो अल्फा और बीटा को अगर हम कन्वर्ट करें, इसके नीचे में क्या है वन, कोई भी मैथ में, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, अब इसको चेंज करें तो वन बाई अल्फा और वन बाई बीटा, इसको हम लोग इंग्लिश वर्जन में बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज, रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज, ठीक है। और यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस, क्या लगा हुआ है प्लस, तो प्लस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सम, यानी इसका पहला वर्जन है, ये भी पूछेगा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज, नियम सीख लो। दूसरा वर्जन यानी इसी क्वेश्चन को पूछेगा वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा इन अ मैथमेटिक्स वर्जन, थर्ड वर्जन, थर्ड वर्जन इसी को पूछेगा। अब देखो जब भी तुम जानते हो अल्फा को ऊपर ले जाओगे, अल्फा के पावर माइनस वन, बीटा के पावर माइनस वन, हम एक ही क्वेश्चन में सारा बताते हैं ताकि डरना नहीं है, खेलना है, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। अल्फा के पावर माइनस वन यानी ये क्वेश्चन आपको थ्री टाइप्स में पूछ सकते हैं, ठीक, कैसे जानेंगे, अब कंसेप्ट सीख लें, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। अब कितने लोग अलग अलग ऐड करके लगा रहे होंगे, नहीं, अब देखो इसका भी फॉर्मूला सीख लो कि डायरेक्टली हम कैसे सीखें, ठीक है। तो कितने लोग ऐसे कर रहे होंगे, किसी तरीके से बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। देखो कितने लोग ऐसे कर रहे होंगे, अब सॉल्यूशन इसके, ठीक है, यानी आपको कोई भी पूछेगा कि सम ऑफ रेसिप्रोकल या अल्फा बीटा या इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो जैसे ही आपने फॉर्मूला दो ठो पढ़ा है कि वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम लेके, अल्फा बीटा ऊपर अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, और ये क्या होता है सी बाई ए, कट गया ए से ए कैंसल, सो फॉर्मूला क्या होगा माइनस बी बाई सी, यानी सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हमेशा माइनस बी बाई सी होता है, क्या होता है माइनस बी बाई सी, ठीक है, यानी ये तीनों का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई सी। ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अच्छे से समझना है, ठीक है, आगे खतरनाक होते जाएगा एक ही क्वेश्चन में, अभी ये जीरो लेवल से समझा रहे हैं। तो माइनस बी बाई सी यानी अब यहाँ पे देखें a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 2, ठीक है, तो माइनस बी बाई सी। चलिए क्या क्वेश्चन पूछा था, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई सी, वैल्यू पुट करिए, b का 8 और c का 2, कट करेंगे तो कितना आ गया माइनस 4, ठीक है, डायरेक्टली आपसे पूछेगा तो डायरेक्टली आप बताइएगा माइनस बी बाई सी, यानी अभी आप जाने थे सम ऑफ जीरोज क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अब क्या जाने थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए, अब जान लीजिए सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज, तो क्या बोलेंगे माइनस बी बाई सी, यानी आंसर सभी का सही है लेकिन डिफरेंट कंसेप्ट समझो अभी, यानी एक ही क्वेश्चन है कितने टाइप्स में हो सकते हैं अलग अलग वर्जन, ठीक है, लिखने का तरीका वही है, बस कंसेप्ट समझना है, ठीक है, वेरी गुड, सबका आंसर सही है, सात्विक, राजा, ऑल ऑफ अ स्टूडेंट आर वेरी गुड, हर्षित, हर्ष, अंजलि, वेरी गुड, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे थर्ड क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन। चलिए क्या बोल रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, अब एक एक करके वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, उसी को समझना है, ठीक है, तो कैसे समझेंगे सॉल्यूशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवेन दैट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
क्या दिया हुआ है, 4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और ये ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू -6 है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है सी बाई ए। चलिए सी की वैल्यू पुट करिए कितना है -6, ए की वैल्यू ए है अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a इक्वल टू -6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो a की वैल्यू आ गई -3/2 आंसर। अब डायरेक्टली वेरी गुड आकाश, विवेक, आशीष, राजा, वेरी गुड ऑल ऑफ गाइस। तो अब डायरेक्टली दिया रहेगा सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जीरो लेवल से अब धीरे धीरे हम लोग टफेस्ट लेवल की ओर बढ़ेंगे, तो कभी पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सम ऑफ जीरोज इज इतना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इतना, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से आपको सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे हार्ड। वेरी गुड ऑल ऑफ गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है डेंजरस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए वैल्यू को कैसे चेंज करता है, अब रूट वर्जन, ठीक है, अच्छे से समझना है। हम लोगों ने सम ऑफ जीरोज पढ़ लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पढ़ लिया, सम ऑफ रेसिप्रोकल जीरोज पढ़ लिया, अब समझेंगे रूट वाला वैल्यू और फिर समझेंगे डिफरेंस ऑफ जीरोज क्या होता है। टीचर बताता ही नहीं है, अब डिफरेंस ऑफ जीरोज बच्चों को रटना पड़ता है, रटना नहीं है, यहाँ ट्रिक सीखना है बहुत सारे कि जल्दी हम लोग कैसे करें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, कैसे करेंगे देखो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी तो इस वर्जन में करेंगे, धीरे धीरे अभी सीखेंगे। देखो क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ इतना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी। चलिए ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू बी है और सी की वैल्यू भी बी है, ठीक है, इतना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, रूट अल्फा बीटा प्लस रूट बीटा अल्फा प्लस रूट बी बाई ए, ठीक है, वैल्यू क्या होगी। हम तो दो ही वैल्यू पढ़े थे पहले, सबके मन में ऐसे ही चलेगा, क्या पढ़े थे, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलिए बता दीजिए क्या होता है, सम ऑफ जीरोज नागिन डांस माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। माइनस बी बाई ए वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी बाई ए ही होगा, और सी बाई ए तो सी का भी वैल्यू बी है, बी बाई ए यही होगा, ठीक है, दोनों वैल्यू यही है। लेकिन रूट वाला वैल्यू कैसे करें, ठीक है, तो अच्छे से समझिए, किसी भी रूट को जब एक ही में है अल्फा और बीटा, तो हम लोग इसको अलग अलग शर्ट्स में भी लिखेंगे, रूट अल्फा रूट बीटा, ये शर्ट्स की प्रॉपर्टीज है, अच्छे से समझ लीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज है शर्ट्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे करेंगे रूट अल्फा यहाँ पे अपॉन यहाँ पे रूट बीटा, और यहाँ पे करेंगे तो उसी तरह अलग अलग करेंगे, रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा, और यहाँ पे बी बाई ए को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे रूट अल्फा रूट बीटा का, इसको लिखेंगे रूट अल्फा बीटा, और ऊपर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अल्फा रूट अल्फा अल्फा, और रूट बीटा बीटा, और प्लस रूट बी बाई ए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ तक सबका क्लियर है, रिप्लाई में से यस या नो नोट कर लीजिए, वेरी वेरी डेंजरस क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन एनटीएससी में ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, अल्फा बीटा का गेम खेलना है, ठीक है, कहाँ तक, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, टफेस्ट लेवल तक पहुँचाएंगे कि कैसे हम लोगों को करना है। चलिए यस क्लियर, खुशबू सिंह, हर्ष पटेल, ठीक है, सर्वेश, हसन जी, वेरी गुड। तो अब आगे की अब प्रोसेस कैसे करेंगे, तो चलिए अब फॉर्मूला जान लेते हैं। तो क्या है हम लोगों का फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे क्या है वैल्यू, रूट अल्फा बीटा, तो रूट में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए की वैल्यू भी बी बाई ए ही है, तो यहाँ बी बाई ए।
और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट बी बाई ए। अब आपको वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो क्लास नाइन्थ के शॉर्ट में आप पढ़े थे कि अगर आपसे कोई कहेगा कि एक्स अपॉन रूट एक्स होगा तो क्या होगा, वैल्यू कट करेंगे तो रूट एक्स अपॉन एक्स कट करेंगे तो रूट एक्स होगा। अगर आपसे कोई कहेगा चलिए ए अपॉन रूट ए होगा तो कट करेंगे तो क्या बचेगा, रूट ए बचेगा। तो उसी तरह यहाँ पे रूट बी अपॉन ए को बी अपॉन ए करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस रूट बी अपॉन ए बचेगा। और यहाँ पे क्या होगा, रूट बी अपॉन ए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कट कर जाएंगे तो क्या होगा आंसर, जीरो। यानी इतने की वैल्यू केवल उल्लू बनाया आपको क्वेश्चन ने, क्या होगा आंसर, जीरो आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, जीरो। ये अल्फा बीटा का गेम है, अच्छे से समझना है, ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड हसन जी, है ना। सबको यहीं पे प्रॉब्लम होगा कि ये कैसे रूट वाला है, तो यहाँ पे ध्यान, ये क्लास नाइन्थ में आपने थर्ड्स का अच्छे से प्रैक्टिस किया था, तो रूट वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि कैसे हम लोग करें, ठीक है, वेरी गुड संजीव, सत्य प्रकाश, अंजलि, वेरी गुड ऑल ऑफ गाइज, ठीक है। तो अब कैसे समझना है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ से अब पैटर्न बदलेगा थोड़ा सा, ठीक है बच्चों, तो अच्छे से सारे क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अल्फा बीटा का गेम अब डिफरेंट टाइप का भी हम बताएंगे कि कहाँ पे आपको उल्लू बनाएगा और कैसे हम लोगों को क्वेश्चन को जल्दी में करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉल्यूशन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के दो जीरोज हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। बार बार ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहां पे कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, तो किसकी वैल्यू पूछा है, के की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है, के के। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत निकालना है, कैसे करना है, तो हम तो अल्फा प्लस बीटा जानते थे, क्या जानते थे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, दो ही फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो चलिए यहाँ ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है के, और सी की वैल्यू क्या है 12। जिनको नहीं निकाल रहा है, निकालने आ रहा है, वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयरिंग करेंगे, सबसे पहले ए बी सी। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो यानी माइनस के बाई 1, यानी माइनस के आएगा, के बाई 1 माइनस के होगा, और सी बाई ए यानी 12 बाई 1 12 होगा। तो यहाँ पे तो हमको k की वैल्यू चाहिए, तो इसके द्वारा हम लोग डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, ध्यान में रखना है, इसी को ध्यान में रखना है कि हम लोग डायरेक्टली कैसे सीखें, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करें, यानी अल्फा प्लस बीटा को या अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो अब समझ लें अच्छे से कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसी पे, यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वही इसीलिए अल्फा बीटा का गेम समझा रहे थे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट लिखने का तरीका कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा में कैसे हम लोग सेम कर सकते हैं, ठीक है, यानी हम लोग कैसे उस वैल्यू को डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, इतने को इतना लिख सकते हैं, कैसे, तो इसको डिराइव कर लीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4ab जोड़ेंगे तो प्लस 2ab हो जाएगा, जो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इस कंसेप्ट को वेरी वेरी, क्योंकि तुरंत रिजल्ट दे देगा, अगर गेम नहीं खेले हैं तो फिर ज़्यादा टाइम टेकन करेगा, ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब इसी में वैल्यू को पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है माइनस के का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना है वन, तो वन का स्क्वायर वन, और फोर इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है ट्वेल्व, तो यहाँ पे ट्वेल्व, ठीक है, यानी के स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस 48, तो के स्क्वायर इक्वल टू 49, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 49, यानी प्लस माइनस 7, तो जितने बच्चों ने केवल 7 दिया है उनका रॉन्ग है, अब 10th से बदल जाएगा, दिस इज योर एनटीएससी ओलंपियाड क्वेश्चन, तो k की वैल्यू फाइनली आएगी प्लस 7 एंड माइनस 7, बोथ आर सेम, यानी माइनस 7 और प्लस 7 दोनों पॉसिबल है, यानी k की वैल्यू माइनस 7 और प्लस 7 दोनों सही है। तो कहाँ पे आपको दिक्कत हुआ, यहाँ पे दिक्कत, यानी डायरेक्टली निकालने का तरीका गेम है, दोनों में अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, कभी कभी ऐसा आएगा क्वेश्चन, कितने लोग फिर अलग अलग जीरोज निकालेंगे, अलग अलग वैल्यू करेंगे, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से सीखते हैं, धीरे धीरे सीखेंगे कि हम लोग कैसे करें, जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी प्रैक्टिस करना है, देखो कैसे। चलो क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज बी 40, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, चलिए सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, दो जीरोज जो नहीं मालूम है, तो एक को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे जीरोज को मान लेते हैं बीटा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर का जीरोज का सम कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, ठीक है, और किसका, तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के का, ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू क्या होगी, अब के की वैल्यू फाइंड करो, तो के की वैल्यू कैसे क्या फाइंड करेंगे, तो अब देखो इसको हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, इसी को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने दो ही फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा, इवरी क्वेश्चन आर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा पे क्या करना है, ट्रांसफर करना है, अच्छे से सीखना है, लेकिन इसके अलावा भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन गेम खेलना है कि कैसे होता है, ठीक है, अभी गेम खिलाएंगे इस क्वेश्चन के बाद, तो कैसे करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है माइनस 8 और सी की वैल्यू क्या है के, वैल्यू को पुट करें माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 और ए बाई 1, यानी 8 आया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 आया, सी बाई ए यानी के बाई 1 कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसके फॉर्मेशन में, अल्फा प्लस बीटा, इसीलिए समझा रहे थे, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 40, यानी ये कन्वर्जन इसीलिए समझा रहे थे इससे पहले कि आपको क्वेश्चन लगाते वक्त कभी कभी इसका फॉर्मूले का यूज पड़ेगा, अल्फा क्यू बीटा क्यू, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा फाइव बीटा फाइव, अल्फा फोर प्लस बीटा फोर, ऐसे वैल्यू पूछेगा, यानी जीरो लेवल से स्टार्ट करेगा टफेस्ट लेवल पे और जल्दी पहुंचना है। ओके वेरी गुड खुशबू, आशीष मौर्य ध्यान देते हैं कैसे करेंगे, तो जब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 इंटू के 2k इक्वल टू 40, अब इसको इधर लाएंगे तो 64 माइनस 40 इक्वल टू 2k, तो करेंगे माइनस तो क्या आ जाएगा 2k इक्वल टू 24, कट करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो आंसर इज कितना आया 12, वेरी गुड खुशबू, संजीव अंजलि विवेक कुमार पटेल, बिल्कुल ठीक है, कैसे चेक करना है, और इसी क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव द्वारा होगा तो अलग मेथड से करना है, दोनों का डिफरेंट वे होता है, एक समझाऊंगा सब्जेक्टिव वे
और एक समझाऊंगा ऑब्जेक्टिव, ना दोनों का डिफरेंट टाइप। तो फिर से हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे अभी, ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो एनटीएससी लेवल इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और बार बार वीडियो को देख के सारे अल्फा बीटा के क्वेश्चन करने हैं, अभी डाउट और क्लियर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेकेंड वेव, यानी अलग मेथड से कैसे करेंगे डेंजरस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑल ऑफ अ स्टूडेंट आर रिप्लाई मी, इतना क्लियर है, से यस या नो, तब आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। जल्दी से करिए हमको रिप्लाई, वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन बदला इस तरह से, कह रहा है क्वेश्चन कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना क्या एक्स के रूप में, एफ एक्स इक्वल टू 2x² + 5x + k। तो हियर यहाँ पे ए बी सी पहले निकाल लीजिए, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू k। हमारे पास केवल दो ही प्रकार के डांस हैं, नागिन डांस और डीजे डांस, निकाल लीजिए फॉर्मूला, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है ऐसे। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा वैल्यू को रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस 5/2 और अल्फा इंटू बीटा आ गया सी बाई ए यानी के बाई टू, दोनों की वैल्यू पुट कर लिया, ठीक है क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे इक्वेशन दे दिया गया है, देखिए क्या दे दिया गया है कि गिवेन दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू तो जानते नहीं है, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसी को मैंने बोला कि लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और फिर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इसी को कन्वर्टिंग सीखना है, यानी हमेशा हम इसको अल्फा प्लस बीटा के में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा में होता है, ठीक है। इसको अल्फा माइनस बीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों का ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और 2 में से 1 माइनस नहीं होगा तो माइनस अल्फा बीटा 21/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की, तो चलिए वैल्यू पुट करिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना निकाले हैं, माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, के बाई टू इक्वल टू 21/4, 5 का होल स्क्वायर 25/4 माइनस के बाई टू इक्वल टू 21/4। अब इसको इधर करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, 4 एलसीएम तो 21/4 21 और के बाई टू, यानी 4/4 क्या हो जाएगा 1 और के बाई टू इक्वल टू 1 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो k की वैल्यू 2 आएगी, यानी आंसर कितनी आ जाएगी 2। वेरी गुड ऑल ऑफ अ स्टूडेंट, मोहम्मद हसन जी, विवेक कुमार पटेल, आशीष, वेरी गुड, अंजलि, खुशबू, ठीक है। इतना कंसेप्ट आपने सीख लिया है, अल्फा बीटा के रूप में, के रूप में और इस तरह। अब सोचेंगे हम लोग, अब जीरो लेवल से तो हम लोगों ने सीख लिया, अब चलते हैं अब कुछ हार्ड प्रैक्टिस की ओर, यानी डेंजरस क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करेंगे, कंसेप्ट पहले सीख लें। अब बच्चों कुछ अनदर क्वेश्चन, कुछ अनदर थ्योरी, ठीक है, कैसे करते हैं इस पे। चलिए कह रहा है कि अल्फा बीटा आर दी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो अल्फा और बीटा हैं ये किसकी वैल्यू हैं, ठीक है, एक बार एक्स की वैल्यू अल्फा, तो हम इसमें पुट करेंगे
क्या लिख सकते हैं, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। एक बार हम इसको इसको इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक बार एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ बीटा पुट करें तो क्या लिख सकते हैं, ए बीटा स्क्वायर प्लस, ठीक है, बी बीटा प्लस सी, दोनों में पुट कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरह से पूछते हैं और डायरेक्टली हम कंसेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको अल्फा बीटा की जरूरत नहीं है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या क्या सीखा अभी, अल्फा प्लस बीटा आप इस तरह से आपका हैबिचुअल था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, केवल इस फॉर्मूले पे कर रहे थे। अब डायरेक्टली कोई क्वेश्चन मिले तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कोई पूछेगा कि थ्री इज अ, ठीक है, थ्री इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ यानी एक्स की वैल्यू थ्री हम पुट कर सकते हैं, यानी थ्री का स्क्वायर नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सी, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा इसी तरह के वैल्यू में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9a प्लस 3b। तो 9a प्लस 3b इक्वल टू क्या लगा के करेंगे हम लोग, जीरो, लेकिन पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे 9a प्लस 3b की वैल्यू हम माइनस सी आंसर लिख सकते, कमाल का बात है। यानी इक्वल टू जब भी हम x अल्फा और बीटा दे रहा है तो हम अलग अलग x की वैल्यू भी पुट कर सकते। ठीक है, आपसे कोई पूछ देगा अब इसी में, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए अल्फा स्क्वायर, ठीक है, इसी क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर। तो आपको लगेगा कि हमको अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना है, नहीं, देखिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे, ए अल्फा स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो हम उसको उधर ले जाएंगे, तो ए अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी अल्फा माइनस सी लिख सकते हैं। और उसी तरह यहाँ इक्वल टू जीरो छिपा हुआ है, ए बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी बीटा माइनस सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करें, तो दोनों की वैल्यू करेंगे तो यहाँ आ गया माइनस बी अल्फा माइनस सी, और बी बीटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस बी बीटा माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा और बीटा को साथ में ले लेंगे और सी सी को साथ में ले लेंगे, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। वो जानबूझ के उल्लू बनाने के लिए वैल्यू को रखता है, तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, इसी को हम फॉर एग्जाम्पल की तरह समझ लेते हैं। ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे डरेंगे नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं डरना है, आराम से करना है। ठीक है बच्चों, तो एकदम कंफ्यूजन नहीं रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन में कह दिया, देखिए आपको क्वेश्चन की तरह समझा रहे हैं कि अफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये क्या कंसेप्ट समझाए हैं, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन। ठीक है, क्या बोल दिया, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्या, फाइव अल्फा स्क्वायर प्लस सिक्स अल्फा फाइव बीटा स्क्वायर प्लस सिक्स बीटा। ठीक है, तुरंत जवाब देना है, एनटीएससी क्वेश्चन, ओलंपियाड क्वेश्चन, इतना क्लियर है। बहुत सारे बच्चों देख लो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब तुम सोचोगे कि फॉर्मूला यूजिंग करना है, नहीं, गेम खेलना है, अनदर फॉर्मेशन, नो किताबी कीड़ा। देखो कैसे, तो तुरंत कैसे जवाब दे सकते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं,
अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ इतना। तो अल्फा बीटा मतलब किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू, यानी यही एक्स की वैल्यू अल्फा है और यही एक्स की वैल्यू बीटा है। तो चलिए एक बार हम लोगों ने एक्स की वैल्यू इसमें अल्फा पुट करना शुरू कर दिया, तो क्या आएगा? जब हम एक्स की वैल्यू अल्फा पुट करेंगे तो क्या आएगा? 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 7। एक बार हम लोगों ने एक्स की वैल्यू अल्फा पुट किया तो आया 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 7। तो अब देखो किसकी वैल्यू यहाँ पे कर रहा था, 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा। तो 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा इसमें क्या छुपा रहता है? इक्वल टू जीरो। तो जब प्लस सेवन को उधर भेजेंगे तो कितना आएगा? -7 आएगा। बिना अल्फा बीटा के फॉर्मूला यूज किए ही आंसर मेरा आ गया -2 में। तुम लोग क्या करोगे? कॉमन लोगे, फॉर्मूला में ढूंढोगे? नहीं, ऐसे भी लगाया जाता है। सेकेंड फॉर्मेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, सीख लो। ऐसे ही क्वेश्चन जेईई मेंस में, एनटीएससी लेवल सेकेंड में, और इसी तरह के क्वेश्चन टफेस्ट लेवल होते हैं जो जीरो कम समय में होते हैं। उसी तरह आप देखो, दिमाग लगाओ कि अगर हम एक्स की वैल्यू अब इसी में, क्योंकि दो होते हैं, बीटा पुट करें। क्या पुट करें? बीटा। ध्यान रखो, अब एक्स की वैल्यू हम लोग क्या पुट करने जा रहे हैं? बीटा पुट करने जा रहे हैं। चलो, क्योंकि दो सॉल्यूशन है, चलिए एक्स की वैल्यू बीटा पुट करिए। क्या क्या आएगा? तो 5 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा प्लस 7 इक्वल टू, क्या छिपा हुआ है? जीरो। तो क्या हुआ? 5 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या आएगा? -7। तो यहां भी क्या है? -7। तो यानी इसका आंसर कितना होगा? -7 -7 -14 आंसर। ना मैंने फॉर्मूला लगाया, ना कुछ भी नहीं लगाया, आंसर आ गया। तो यही कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली अल्फा बीटा पे दिए रहेंगे, आपको सिर्फ डराने के लिए ये सब रहेगा। तो कितने बच्चे इसी को किस मेथड से करेंगे? अल्फा वाले बीटा वाले से। उनका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। कैसे? वो कैसे सोचेंगे? अब आपकी तरह हम सोचवा रहे हैं, ये मेरा मेथड है जल्दी करने का, तो सीख लो कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्या है? पॉलिनोमियल। इसीलिए इक्वल टू जीरो नहीं लगा रहेगा, दिखेगा नहीं। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहेगा लेकिन इक्वल टू जीरो लगा रहेगा, लेकिन करेंगे इक्वल टू जीरो लगा के, जैसे मैंने बताया था। तो क्लियर है कंसेप्ट? रिप्लाई में यस या नो, कितने बच्चों को समझ में आया? अब इसी का टाइम वेस्ट कितना होगा, वो कैसे होगा? जब आप इसके चक्कर में पड़ेंगे। कैसे? आप इसी क्वेश्चन को ऐसे सोचेंगे, देखिए कैसे। देखिए, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे सोचेंगे, क्या कि इसको हम ऐसे लिख के करें, 5 अल्फा स्क्वायर 5 बीटा स्क्वायर 6 अल्फा प्लस 6 बीटा। तो आप इसमें 5 कॉमन लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और फिर 6 कॉमन लेंगे अल्फा प्लस बीटा, और फिर फॉर्मूला रखेंगे क्या? फिर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे, अल्फा बीटा। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और यहाँ कम समय में लग गया। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली होंगे तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? इस तरह डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन के अनुसार फिर समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे थ्योरी पढ़ना है। देखिए जैसे ये दो क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा अगर आप इसके ट्रिक्स नहीं सीखेंगे। क्या क्वेश्चन दिया है? तो कह रहा है अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना, ठीक है, ax² + bx + c के दो अल्फा बीटा जीरोज हैं। तो यानी एक्स की एक वैल्यू अल्फा और एक्स की एक वैल्यू बीटा, दो जीरोज हैं। तो चलिए एक बार अल्फा पुट करते हैं, यानी एक्स की एक वैल्यू अल्फा पुट करते हैं। तो ax² + bx + c क्या छुपा हुआ है? इक्वल टू जीरो। सॉल्व करेंगे जीरो ही लगा के, क्योंकि बिना जीरो के तो वैल्यू आता नहीं। तो अगर हम एक्स की एक वैल्यू अल्फा पुट करें तो क्या होगा? a² b(a) + c = 0। ये आया आया हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन देखिए, डेंजरस क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा टाइम वेस्ट लेते हैं, नहीं तो ये जीरो लेवल का क्वेश्चन है अगर मेरे ट्रिक्स द्वारा समझेंगे। तब तो बिना अल्फा बीटा का फॉर्मूला यूज किया डायरेक्टली। तो क्या क्वेश्चन है?
वन अपॉन ए अल्फा प्लस बी, अब प्लस यहाँ वन ए बीटा प्लस बी, इसकी वैल्यू निकालना है, यही क्वेश्चन है। तो अब हम लोगों को क्या चाहिए, ए अल्फा प्लस बी, तो यहाँ क्या कॉमन है निकाल लेते हैं, अल्फा, तो अल्फा कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी, और यहाँ पे क्या है प्लस सी, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस सी, तो यहाँ पे हो गया ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू कितना हो गया माइनस सी बाई अल्फा। सबको समझ में आया रिप्लाई में, यस या नो, यहाँ कितने इतने लोगों को समझ में आया ये वैल्यू, कितने लोगों को समझ में आया जल्दी से बताइए, ठीक है रिप्लाई में से यस या नो। तो इतना समझ में आया, क्या करना है, ए अल्फा प्लस बी माइनस सी बाई अल्फा आया, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, वन बाई ए अल्फा प्लस बी, तो जब हम वैल्यू को यहाँ पे वन बाई लाएंगे, यहाँ पे कुछ नीचे नहीं है, मान लो यहाँ पे नीचे वन लगा दिए, यहाँ पे क्या लगा दिए वन, या कितने लोग इसको डायरेक्ट वैल्यू को समझेंगे, उसी तरह हम अगर एक्स की वैल्यू बीटा पुट करेंगे, सेम सेम रखना है इसी तरह, अब एक्स की वैल्यू बीटा पुट करेंगे तो क्या होगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। चलिए अब क्या पुट कर रहे थे, एक्स की वैल्यू बीटा इसमें, क्योंकि दोनों जीरोस थे, तो क्या वैल्यू आया, दोनों में बीटा कॉमन हो गया, तो क्या आया ए बीटा प्लस बी अब प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो उसी तरह उधर ले जाएंगे तो ए बीटा प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी बाई बीटा, माइनस सी बाई क्या आ जाएगी बीटा। तो जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ध्यान से, कोई इस तरह पुट करेगा, वन बटे में ए अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस सी बाई अल्फा, और यहाँ पे वन बाई ए बीटा की वैल्यू माइनस सी बाई बीटा, तो अल्फा कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो अल्फा बाई माइनस सी और बीटा बाई माइनस सी, ठीक है दोनों में क्या कॉमन है, तो चलिए माइनस वन बाई सी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा अल्फा प्लस बीटा, अब ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू बी है, और सी की वैल्यू सी है, तो चलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस बी बाई ए, फॉर्मूला यहाँ रखेंगे तो होगा माइनस सी इंटू बी बाई ए, यानी आंसर कितना आएगा माइनस बी बाई ए सी, यानी इसका आंसर कितना आया माइनस बी बाई ए सी। अगर इसको सॉल्व करके बनाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो ऐसे डेंजरस क्वेश्चनों के लिए ये सिंपल है कि हम तुरंत कैसे करें, ठीक है ये तो हमने सॉल्यूशन करके बताया, हम यहीं पे इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते थे, ठीक है अच्छे से समझना है कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट कर लेना है डेंजरस क्वेश्चन का, इसीलिए बता रहे हैं इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको डाउट क्रिएट करें, लेकिन कम समय में करना है, खिलवाड़ करना है, ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में और खिलवाड़ करके डेंजरस क्वेश्चन को ईजी करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों ने यहाँ रख के किया, इसी को हम लोग यहाँ शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, कैसे बच्चों देखो ध्यान से, तो मैं क्या कर रहा था कि यहीं पे एक सोच कर सकते थे अपॉन वन, यहाँ क्या दिया है रेसिप्रोकल, यहाँ रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करेंगे, इसको चेंज करेंगे वन बाई ए अल्फा प्लस बी, तो इसी तरह इसको भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं अल्फा बाई माइनस सी, ठीक है ऐसे इसको भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो वन अपॉन ए बीटा प्लस बी, तो इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे माइनस बीटा बाई सी, यानी इस तरह के वैल्यू में इसकी वैल्यू जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली, क्या लिख सकते हैं, तो भाई इसकी वैल्यू लिख सकते हैं इक्वल टू अल्फा बाई माइनस सी प्लस बीटा बाई माइनस सी, या दोनों में कॉमन है, ठीक है अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लेंगे इंटू माइनस वन बाई सी, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी बाई ए, और ये माइनस वन बाई सी, तो माइनस ऐसे प्लस क्या हो गया बी बाई ए सी, तो सो आंसर इज बी बाई ए सी, तो आंसर इज क्या आ गया बी बाई ए सी, ठीक है क्लियर होगा, तो सबका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उसी चीज में ऊपर लिख दिया है बीटा बाई ए अल्फा प्लस बी, तो बीटा बाई ए अल्फा प्लस बी, देखो
ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं, अल्फा बाई सी, तो दोनों को ध्यान में रख सकते हैं, या जो हम यहाँ पे वैल्यू रखे हैं, तो यहाँ पे बीटा बाई ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू कितना है, माइनस सी बाई अल्फा, और इसी तरह अल्फा बटे ए बीटा प्लस बी की वैल्यू कितना निकाले हैं, तो माइनस सी बाई बीटा, माइनस सी बाई बीटा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा माइनस सी, और यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बाई माइनस सी, दोनों सेम हो गया तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू अल्फा बीटा माइनस सी, दोनों सेम ही हैं तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सी सी एलसीएम हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, टू सी बाई ए, ए नीचे चला जाएगा, माइनस सी बाई ए, तो सी से सी कैंसिल, तो सो आंसर इज कितना आएगा, माइनस टू बाई ए, यानी सेकेंड का आंसर कितना होगा, वेरी गुड, राजा ने अच्छा जवाब दिया है, माइनस टू बाई ए, आशीष मौर्य ने सही जवाब दिया है, माइनस टू बाई ए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इससे भी हार्ड और इससे भी इम्पॉर्टेंट जेई मेंस और एनटीएससी का लेक्चर फोर में करेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल का ये जीरोज वाला जो वैल्यू है, अल्फा बीटा का जो गेम है, वो सेकेंड वर्जन में हम लोग करेंगे, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों, तो कुछ हम लोग इस पे क्वेश्चन और गेम देने जा रहे हैं, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस करना है, नेक्स्ट हम लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे, और इस बार इस तरह के क्वेश्चन 2021 में जो 2020 का परीक्षा था एनटीएससी लेवल सेकेंड में आया था, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और फिर यही क्वेश्चन रिपीट किया था जेई मेंस 2017-16 में, ये क्वेश्चन रिपीट किया था, समझा रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लगाना है, नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन, इसको जरूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और फिर आज का ये होमवर्क, यानी एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस, जैसे इस तरह के क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या इसमें से कॉमन ले सकते हैं, अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा, अब इसकी वैल्यू होती है सी बाई ए, और इसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, या कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यू बीटा फोर या अल्फा फोर बीटा क्यू, इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो दोनों में कॉमन अल्फा क्यू बीटा क्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा बीटा, यहाँ पे बचेगा अल्फा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मैथ्स में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, समझ में आ रहा है, और इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का क्यू, ठीक है, और ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यानी इस तरह से कन्वर्टिंग करेंगे, आपको घबराना नहीं है, यानी एवरी थिंग्स को, क्योंकि दो ही फार्मूला आप पढ़े हैं, ठीक है, इसको हमने ट्रिक्स द्वारा बता दिया है कि एक को बोलेंगे नागिंग डांस और एक को बोलेंगे डीजे डांस, उसी पे सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, आज का ये होमवर्क है, तो कौन कौन से, फिर से भूलना नहीं है, क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, इवरी क्वेश्चन को आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, दिस इज योर लेवल ट्रिक्स, इसको बोलेंगे नागिन डांस, और इसको बोलेंगे डीजे डांस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कन्वर्ट करना सीखना है कि कितना जल्दी हम कन्वर्ट कर, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, जल्दी से इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे बना के सेंड करेंगे, थैंक यू बच्चों, ठीक है।